गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस के ये देखिए यहाँ पे ब्रांचेस बताई गई हैं आपकी जो साइंस की हैं, टू ब्रांच है, ठीक है। एक होता है फिजिकल साइंस, एक होता है नेचुरल साइंस। फिजिकल साइंस में क्या होता है, इट डील विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स से जब हम डील करते हैं तो फिजिकल साइंस कहलाता है, और इट डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स से जब हम डील करते हैं उसको क्या बोला जाता है, नेचुरल साइंस। ओके, जो फिजिकल साइंस होता है, फिजिकल साइंस के फर्दर आपके टू पार्ट हैं, एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री। इट डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड मोशन थ्रू स्पेस। इसमें क्या होता है, मैटर एंड मोशन के साथ के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं फिजिक्स में। मोशन आ गया आपकी, कैसे कोई चीज़ इधर उधर मूव कर रही है ना, मोशंस है या फिर मैटर है, ये सब आपका फिजिक्स के टॉपिक्स होते हैं। केमिस्ट्री में क्या, एटम्स के बारे में है ना, मैटर के बारे में, आपके कितने कितने तरीके, कौन कौन से मेटल होते हैं, एटम्स कैसे ट्रीट करते हैं, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं हम केमिस्ट्री में। अब जो आ गया नेचुरल साइंस, जो है नेचुरल साइंस में हमने क्या बोला, लिविंग थिंग्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। लिविंग थिंग्स में क्या आ सकते हैं, प्लांट आ सकते हैं एंड एनिमल। तो प्लांट की जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं बॉटनी, उसको बोलते हैं बॉटनी। और जब हम एनिमल की स्टडी करते हैं, एनिमल का स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर और उनका एवोल्यूशंस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जूलॉजी। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ साइंस। फर्स्ट पॉइंट इज मेडिसिन एंड हेल्थ। हम सबको पता है कि पहले की एज में क्या होता था, मेडिसिंस नहीं होती थी, लोगों की एज बहुत कम होती थी, है ना। सडन आप ज़रा सा सर्दी खांसी बुखार भी एक बहुत बड़ा जानलेवा बीमारी हो जाती थी। लेकिन अभी क्या है, बहुत सारी मेडिसिंस आ चुकी हैं, मेडिसिन से हम क्या करते हैं, हेल्थ को हीलिंग करना आसान हो गया, मतलब रिकवर होना आसान हो गया। क्या क्या हो सकता है मेडिकल से, डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, बहुत तरह तरह की डिसीज़ से प्रिवेंशन हो गया। पहले कैंसर एक बहुत बड़ी डिसीज़ कहलाती थी, आजकल से कैंसर से भी प्रिवेंशन संभव है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है इसमें, इट एनकम्प्रेसेस अ वैरायटी ऑफ हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस इवॉल्व टू मेंटेन द रिस्टोर हेल्थ बाय द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस इन ह्यूमन बींग्स। अलग अलग तरह के हमारे पास क्या आ गए हैं, ट्रीटमेंट आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ टेस्ट दिए हैं और उनके पर्पस दिए हैं, जिसमें से कि कुछ टेस्ट तो अपन बहुत आसानी से अपन जानते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन, नाम सुना ही होगा। क्या होता है सीटी स्कैन में, कि ब्रेन के सारे फंक्शन का एनालिसिस किया जाता है। एक्सरे सबने सुना होगा, एक्सरे क्या होता है, बोन्स की इमेज ले ली जाती है। ब्लड ग्रुप का टेस्ट भी हमने कई बार करवाया होगा, इमरजेंसी एंड ट्रांसफ्यूजन, RH फैक्टर इन लेडीज, है ना, ये सब हम चेक करवाते हैं। ECG करवा लेते हैं कई बार, हमने सुना होगा ना कि वो हार्ट बीट चेक करते हैं, है ना। कोलेस्ट्रॉल टेस्ट में क्या होता है, फैट बढ़ जाता है ना, मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, फैट बढ़ गया, उसका टेस्ट होता है, है ना। तो इसमें बहुत सारे टेस्ट लिखे हुए हैं, ये सब क्या है, साइंस से रिलेटेड है और उनका पर्पस, अलग अलग पर्पस दिया हुआ है। तो ये साइंस मेडिसिंस या टेस्ट जो हैं वो आपके क्या है, साइंस के ही इन्वेंशंस हैं। ओके, सेकंड इज एग्रीकल्चर। पहले की खेती और आज की एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, एग्रीकल्चर भी एक मल्टी डिसिप्लिन फील्ड हो चुका है ना। यहाँ पर पहले क्या होता था कि खेत में सीड डाल दिया, अब वो ग्रो, प्लांट्स कितने ग्रो हो रहे हैं वो कुछ भी ऐसा डिपेंड नहीं होता था। लेकिन आज क्या हो गया, मॉडिफाइड वैरायटी ऑफ सीड्स हैं, ठीक है, मोर क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो रहा है, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जा रहा है, जिससे कि क्या हो रहे हैं, जो भी इंसेक्ट वगैरह हैं उनको क्या किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो क्या हो रहा है, काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है, और हमारी जो भी है क्रॉप्स वगैरह हैं वो इतनी हद से डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती हैं, और फर्टिलाइजर्स वगैरह अच्छा यूज़ होने से हमारा कम सीड में हमारी फसल बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ये भी साइंस का ही एक देन है एग्रीकल्चर के लिए। थर्ड इज़ अ
रैपिड कम्युनिकेशन. रैपिड कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? पहले सुना है कि हमको कबूतर कबूतर के थ्रू हम एक जगह से दूसरे स्थान पर क्या भेजते थे, कम्युनिकेशन करना होता था. तो पैरोट जो कबूतर होते थे उनको हम क्या कर देते थे, चिट्ठी दे देते थे और वो पहुँचा देते थे. लेकिन आज के डेट में क्या है, रैपिड कम्युनिकेशन है, मतलब ईमेल्स वगैरह आ गए. कंप्यूटर से ईमेल भेज दीजिए, है ना. और अगर हम यूरोप में हों चाहे यूएसए में, कहीं पर भी हों, इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे कनेक्ट कर सकते हैं, लाइव क्रिकेट मैच देख सकते हैं. किसी भी सिटी में रहने पे भी या किसी भी कंट्री पे रहने पे भी सैटेलाइट्स के द्वारा सब वेदर की फॉरकास्टिंग हो सकती है, प्रिडिक्ट हो जाता है वेदर. मतलब कि आज वेदर ऐसा है और कल वेदर कैसा होगा. जैसे अभी ही भोपाल का वेदर फॉरकास्टिंग करके बताया गया है कि 48 आवर्स क्या है, बारिश का काफ़ी ज़्यादा वेदर बना हुआ है. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी, पहले के ट्रांसपोर्ट क्या होते थे, या तो ह्यूमन पैदल जाता था या तो फिर ये जो भी है एनिमल्स से अपनी कार्ट बनाता था, बुल कार्ट्स वगैरह है या टांगा, ये सब यूज़ करता था. लेकिन आज के जो ट्रांसपोर्ट हैं वो क्या है, बहुत एडवांस हो चुके हैं. ये भी साइंस की ही व्हील है. व्हील हैज़ हेल्प्ड ट्रांसपोर्टेशन, है ना. व्हील के पहले व्हील नहीं थे, ये उन्होंने पढ़ा ही है ना बच्चों आप लोगों ने कि व्हील क्या होता है, इस तरीके से रोटेट होता है. तो कोई भी चीज़ भी हमको हैवी नहीं लगती. ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब यहाँ पे कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गए हमारे पास, एयर, रेल, रोड, वाटर, केबल, पाइपलाइन एंड स्पेस. इस तरीके से ये सब भी हमारे क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी के ही एडवांटेज हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केटिंग. जो साइंटिफिक कई सारे डिवाइसेस आ गई हैं हमारे पास, TVS, VCDs, है ना, TV वगैरह, VCDs, कंप्यूटर, ये सब क्या है, हमारी साइंटिफिक डिवाइसेस हैं. इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट का क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं. अगर हम आजकल अभी देखिए फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू भी क्या हो रहा है, मार्केटिंग हो रही है. बहुत सारे ऐप बने हुए हैं जिसके थ्रू मार्केटिंग चल रही है. मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग मार्केट रिसर्च, सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर एंड प्रमोटिंग दैम बाय द एडवर्टाइजिंग फर्दर एनहेंसिंग. तो इस तरीके से क्या हम उसको अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस डेवलपमेंट, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ विच कंपनीज बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप एंड क्रिएट वैल्यू ऑफ देयर कस्टमर एंड फॉर देमसेल्फ. मतलब कस्टमर के साथ क्या कर सकती है कंपनी, स्ट्रॉन्ग डील बना सकती है ना, किसके थ्रू, साइंटिफिक डिवाइसेस के थ्रू. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, और ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.